लोगों को सुविधा देने के लिए तरह तरह के विकास कार्य तो स्वीकृत कर दिए जाते हैं, लेकिन इन सुविधाओं का जमीनी स्तर पर कितना लाभ मिल रहा है, इसकी एक बानगी नगर पालिका तिल्दा नेवरा के गौरव पथ को देखकर लगाया जा सकता है। कुछ साल पहले लाखों रुपए खर्च करके गौरव पथ का भव्य निर्माण किया गया था, जिसे नगर का गौरव भी कहा जाता था, लेकिन वक्त के साथ साथ स्थिति खराब होती गई और अब गौरव पथ अपनी गरिमा खोता जा रहा है। कभी शहर की शान रही यह सड़क पूरे तरह से जर्जर हो चुकी है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिनमें बरसात का पानी भर जाने से हालात और भी बिगड़ जाते हैं। रायगढ़ के लिए भैरवगढ़ धाम से सौरभ पेट्रोल पंप तक गौरव पथ का सफर जान जोखिम में डालकर उठाना पड़ता है। ऐसे में लोगों को आस है कि एक बार फिर इस सड़क को पहले की तरह निर्माण कर दिया जाए, ताकि शहर का गौरव फिर से लौट सके। सब अली गली बन गए सर, अब यहाँ बने से नहीं है रोड, सब लोग लेकर आने जाने में तकलीफ होती है। और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को कई बार इसके लिए अवगत करा चुका गया है, उसके बाद भी उनके द्वारा शासन प्रशासन के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसके चलते वार्डवासी में काफी रोष व्यक्त है। गौरव पथ का मरम्मत कार्य के लिए एवं पुनः निर्माण के लिए शासन को हमने एस्टीमेट बनाकर भेज दिए हैं, जो स्वीकृत हो चुकी है और बहुत जल्दी उनका टेंडर होने वाला है। हमारे साथ सौराष्ट्र संवाददाता रायपुर तिल्दा से रमेश बत्रा जुड़ चुके हैं। रमेश, जिस तरह गौरव पथ की बात की जाती है, कभी तिल्दा की शान कहा जाता था गौरव पथ, और अब उस शान पर कहीं ना कहीं दाग लगते नजर आ रहे हैं, वो दाग गड्ढों के रूप में नजर आ रहा है, ये बात क्या आलासरों के संज्ञान में नहीं है? क्या उनको नहीं पता कि जिस गौरव पथ को लेकर तिल्दा से ऊंचा करके चलता था, वो गौरव पथ जर्जर हो चुका है? जी आप शरद जी, आपको बताना चाहूंगा कि यह कोई पहली बार नहीं है जी, इससे पहले भी कई बार वार्ड के वार्ड वाले वासियों ने और ग्रामीणों ने जाके नगर पालिका मुख्य अधिकारी को जाके बताया कि इस रोड की हालत यहाँ जर्जर हो चुकी है और यहाँ पे कई दुर्घटनाएं हो चुकी है, लेकिन किसी का भी ध्यान नहीं। हमारे साथ जी जी धैर्य जी जुड़ चुके हैं, जो की मुख्य नगर पालिका अधिकारी है। सर, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। सर, जिस तरह हम बात कर रहे हैं, जो तिल्दा की गौरव कहे जाने वाली सड़क यानी कि गौरव पथ की हम बात करें, तो गौरव पथ की हालत जर्जर हो चुकी है, कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं किया गया है। आखिरकार इस तरह की हालत बनने के पीछे जिम्मेदार कौन है? नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं है, इसका शासन को इसका एस्टीमेट बनवा के भेज दिए हैं जी, और इसकी स्वीकृति गवर्नमेंट से जल्दी मिल जाएगा अपने को जी, और ये तत्काल दशहरे में शुरू हो जाएगा बनने के लिए। लेकिन बहरा जी, ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी इस रोड को कई बार ठीक कराने के लिए प्रस्ताव दिया गया था, और साथ में इस रोड को जब हम बात करें, इस गौरव पथ की बात करें, तो हर बार यही होता है कि जब बारिश आती है या कोई जिस तरह ये महीने शुरू हो जाते हैं अगस्त सितंबर अक्टूबर, तब सड़क की हालत जर्जर हो जाती है, तो क्या इसका स्थायी निर्माण नहीं किया जा सकता? क्योंकि आप प्रोजेक्ट की बात तो कर रहे हैं कि अक्टूबर तक शुरू हो जाएगा, उसका तो स्थायी निर्माण किए थे सर, 3 साल पहले यहाँ करवाए थे पूर्व सीमो लोग जी, उसके बाद में क्या है बस्तियाँ हो गई ऊपर जी और रोड हो गई गहरे में जी, और अगल बगल में अधिक अवैध कब्जाधारी होने के कारण से पूरी पानी को रोड में डालते हैं जी, उसके नाम से रोड डैमेज हुआ है। उसको पूरा अपन शासन को भेजे हैं गौरव पथ का मांग के लिए जी, और वो स्वीकृत हो जाएगी, इस हफ्ते में स्वीकृत हो जाएगी। बहरी जी, हमारे रमेश बत्रा भी जुड़े हुए हैं तिल्दा से सौरा संवाददाता। रमेश, जिस तरह सर बता रहे हैं कि ये मकान ऊपर होने से और अतिक्रमण होने से इस तरह की स्थिति बनी, जबकि आपका ये कहना है कि ये स्थिति पहली बार नहीं हर बार होती है, बताइए। जी बिल्कुल, ये सही बात है, लेकिन यह उसको ये नागरिकों की जवाबदारी नहीं है कि उनको जो कब्जाधारी है उनको हटाया जाए जी, यह जो काम है वो नगर पालिका और अधिकारियों का है कि जाके उस कब्जाधारियों को हटाया जाए, और रोड अगर नीचे में है जी, नीचे में जी, तो ये उनकी जवाबदारी बनती है कि वो रोड को ऊपर करके और नाली का निर्माण करवा सकते। बहरी जी, क्या कहेंगे इस बारे में आप? उसके नाली का भी और गौरव पथ का दोनों भेजे सर, वो 500 मीटर है वो जी, आपका अंबेडकर चौक से देवांगन होटल तक जी 500 मीटर से दोनों साइड में आरसीसी नाली और उसके बीटी रोड बनाने के प्रस्ताव शासन को चला गया है जी, और इस हफ्ते में बिल्कुल स्वीकृति हमको मिल जाएगा उस रोड का जी। जी सर, यही देखने वाली बात होगी कि आखिरकार स्वीकृति मिलने के बाद इस रोड का निर्माण कब पूरा होता है। बहरहाल ढेरे जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रमेश बत्रा भी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देने की। इस रोड की बात की जाए, गौरव पथ से कहा जाता है, और गौरव पथ की हालत ये हो गई है कि शायद इसका गौरव वापस लौट कर आएगा, ये बात देखने वाली होगी। बहरहाल हम इस शहर की बात करें, गौरव पथ आखिरकार कब तक ठीक होता है, ये देखने वाली बात होगी।
बात करते हैं बालों का मजाक।